60-40 नियोजन नीति के खिलाफ टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में आज पुरानी विधानसभा से लेकर नई विधानसभा तक रैली की गई और नई विधानसभा के 500 मीटर के दायरे में मैदान में जेबीकेएसएस के सदस्य द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस के द्वारा आंसू गैस छोड़ी गई और लाठीचार्ज करना शुरू कर दी गई। लाठीचार्ज जयराम महतो के ऊपर भी किया गया और उनके साथी के ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया है। जयराम महतो की कमीज भी फाड़ दी गई है और उन्हें पुलिस हिरासत में ले ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, छोटापुर लाइव। पहले मैं बता दे रहा हूँ मैडम आपको, सर कुछ मूल्य लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इनको परमिशन भी दिया गया था, इनको जगन्नाथपुर मंदिर के पास बैरिकेटिंग में रोका गया था। बैरिकेटिंग तोड़ते हुए भारी संख्या में लड़के जो है विधानसभा के परिसर तक पहुँच गए, इनको पीछे जाने के बोला गया, इनके द्वारा पथराव किया गया, तो इनको थोड़ा बल कर प्रयोग करके पीछे किया गया है। फिर से अनाउंसमेंट किया गया इन लोगों के बीच कि ये परिसर से 144 का धारा परमानेंटली लागू रहता है, जब तक विधानसभा चलती है आप लोग कूटे वाले धरना स्थल पे जाइए, जब ये नहीं गए तब इनको डिटेन किया गया है विधि व्यवस्था के संधारण के लिए। कहना चाहेंगे कि एटम सर मैंने अपनी बात नहीं बता रहे, हमें पुलिस ने हमें खुद रास्ता दिया है, पुलिस ने हमें खुद रास्ता दिया है, हमें मेन रोड बैरिकेटिंग लगाया गया और पुलिस ने हमें कच्चा रास्ता दिया कि आप यहाँ जाके ग्राउंड है वहाँ पर धरना कर सकते हैं, प्रशासन ने फाड़े। आप लोग शांति देखिए, ये तो मैंने हमको लगता है पुलिस के लोग ही बताए, मैंने रबड़ गाड़ी भी चली गई, छोड़े गए, चार्ज भी हुआ, बहुत सारे साथी घायल भी हुए हैं और हमारे जो सर। अच्छा एक बात बताइए, धारा 144 जो विधानसभा परिसर है उसका तो क्या पर धारा 144 100 मीटर 200 मीटर नाप लीजिए, हम लोग लगभग हाफ किलोमीटर पीछे थे। नहीं आप नहीं, वहाँ उस समय हमने मेरी एंट्री नहीं हुई थी, वहाँ तक उन्होंने कहा कि खुद एक कि मैन रोड ट्रैफिक विधि व्यवस्था खराब होगी, आप कर सकते हैं। लगभग 3000 की संख्या में थे, 3000 की संख्या में। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? देखिए वो तो छात्र जो सारा नीति बनाएंगे हम उनके साथ हैं, फिलहाल तो लेकर जा रहे हैं, अब बाहर आएंगे बात कर सकते हैं। देखिए आज भगत सिंह की शहादत दिवस है, राजगुरु सुखदेव शहादत दिवस है, मरेंगे फर्क नहीं, लेकिन जो आप बुलंद कर रहे हैं मिलकर अपनी बात आना चाहते थे मुखिया से, मुख्यमंत्री से, मुखिया से ही बात करेंगे। पिछला बार आलमगीर आलम बात किए पलट गए, तो अब तो मुखिया से ही बात होगी ना। हाँ आज ही के दिन फांसी ठीक रहेगी, अब बताइए सही रहेगा। मांडू थाना हम गए वहाँ फर्जी केस हुआ, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ केस हो रहा है, आज यहाँ पर इस तरह हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, तो हम लोग यही चाहेंगे कि मार ही दिया जाए, लेकिन बदले में राज को एक अच्छी नीति दे दी जाए। सदन में मुख्यमंत्री आज बोलने वाले हैं नियोजन नीति को लेकर के, आज उनका अंतिम जो अभिभाषण है वो होना है इसी नियोजन नीति को लेकर के, तो उनका यही कहना है विधायक मंत्री का कि आज का इंतजार करते हैं, आज का इंतजार करते तो फिर खत्म हो जाता आज सदन और फिर नियोजन सारी मैंने वैकेंसियों को लिए इश्तहार आ जाता, और मुख्यमंत्री को तो आज पिछले 5 सत्रों से देख ही रहे हैं क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, तो उनसे उम्मीदें टूट गई, इसीलिए हम लोग अपने आंदोलन के माध्यम से ही जोहार। जितना भी साथी देख रहे हैं जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जयराम महतो, देवेंद्र महतो और सैफी इमाम जितने भी साथी हमारे थे, 2-3 साथी को पकड़ के मनोज यादव को रख लिया इन लोगों ने और उनके साथ मारपीट की जा रही है, लाठी चार्ज किया गया था, आंसू गैस दागा गया था, तो जितने भी साथी हैं रांची के आसपास के झारखंड के जितने भी साथी हैं आज रांची कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं, जब तक जयराम महतो को यहां सकुशल नहीं छोड़ा जाता है तब तक हम पूरे झारखंड में आज आग लगाने वाले हैं, तो जितने भी साथी सुन रहे हैं ये सुने और वीडियो को जितना हो सके शेयर करके जितने से जल्दी रांची के आसपास के जितने भी साथी हैं विधानसभा पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि विधानसभा थाना में इनको रखा जाएगा, तो जितने भी साथी हैं सभी को जयराम दा को खास करके पकड़ कर रख लिया गया है, उनके साथ मारपीट किया जा रहा है, उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, उनको दबाव में दिया जा रहा है, उनको जानता है कि ये लीडिंग कर रहे थे, इनको अगर पकड़ लेंगे तो ये आंदोलन शांत हो जाएगा, तो जितने भी साथी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, आज आसपास के जितने भी साथी हैं आंसू गैस वगैरह लाठी चार्ज जितना भी
हथकंडा हो सकता था सरकार के द्वारा, उसने अपना लिया है। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं शेयर कीजिए और तुरंत यहाँ पहुँचने का प्रयास कीजिए विधानसभा परिसर में। धन्यवाद, जोहर।